हेलो गाइस, स्वागत करते हैं किड्डो ब्लॉग्स की यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग माथे पे टीका देख सकते हैं कि मैं अभी पूजा मतलब पूछा तो काफ़ी देर हो गया था कि ये पूजा करने के पहले, क्योंकि आज ना थोड़ा सा मेरा लेट में उठी थी, क्योंकि आजकल नींद पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लेट में आता है। 2:30 बजे थी, सब लोग सो जाते हैं तो उसके बाद सोते हैं, बहुत लेट नींद आती है। तो लेट में थोड़ा सा उसको उठे थे, तो फिर उसके बाद पानी नहीं था तो वंदना दीदी ने सुबह उठा, किचन वगैरह सब कुछ साफ वगैरह किया है। और उसके बाद आज कितने तारीख हो गया था, आज है 18 तारीख, 18 तारीख है, तो 2 दिन बाद ये सबका बर्थडे है। बहुत ज़ोरों शोर से तैयारी हो रहा है और मैं आज कुछ ब्लैक कलर की साड़ी पहनूंगी। इस साड़ी को पहनने से पहले मैंने सोचा कि पहले जो काम है घर का, किचन वगैरह का, जो कुछ भी खाना पीना वगैरह होता है तो उसको पहले मैं काम कर लेती हूँ। तो हो चुका है और मैं अपना गर्म पानी हमेशा ऐसा करके रखती हूँ। तो गाइस, एक तो अगर आप ना जैसे एसी में रहो ना तो बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी है ऐसा फील होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में रहोगे तो नहीं फील इतना होता है। मैंने ये फील किया है क्योंकि मैं अभी काफ़ी देर से नहीं हुए एसी में, तो फिर अभी बाहर ही बाहर, क्योंकि ज़्यादा एसी में रहना भी फैट मतलब कि फूलता है, जैसे ठंडा ठंडा से शरीर फैलता है ना, ठंडा पानी पियो, ठंडा चीज़ खाओ, ठंडा ठंडा से होता है तो क्या करें, फैलता है तो। लेकिन गर्मी होता है तो इंसान सोचता है कि थोड़ा सा राहत मिल जाए, यही सोच करके। और कल मैं जब मार्केट गई, मतलब मार्केट क्या, मैं वो मुझे सिंदूर लेना था ना, तो उसके बाद जब मैं किसी जूस के पास गई, इतना ज़्यादा भीड़ लगा था, मतलब जिस जहाँ पे मैंने पिया था वहाँ पे नहीं, मैंने क्या कहीं दूसरे जगह बता रही हूँ, इतना ज़्यादा भीड़ लगा था। मैं बोली भगवान, बाप रे, ये कैसा क्या नर्स हो गया। और उसके बाद कल हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोग के साथ एक, जैसे क्या हुआ कि एक लड़का, जहाँ पे हम लोग डांस क्लास करते हैं वहाँ पे एक डांस मिस्टेक से मेरे पैर से, मैं बाइक से स्कूटी से आ रही थी और गलती से मेरे पैर से एक लड़के को लग गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि चलते वक्त मेरी क्या होता है, जो स्टैंड पे पैर रखते हैं तो मैं थोड़ा सा फैल के बैठती हूँ, तो मैंने जानबूझ के उसको टक्कर नहीं लिया था। लेकिन इतना बदतमीजी से वो बात किया, मैं इतना देर तक सोचती रह गई, हे भगवान, क्या जीवन में इतने दुष्ट मतलब लड़के भी होते हैं क्या। चलो भगवान, एक तो मैं सॉरी बोली, सॉरी भैया, करा कि क्या कर रही है, दिखता नहीं है क्या, इतना तेज मेरे को बोला ना। मैं तो बोली हे भगवान, ऐसे कौन लड़का बोलता है, मैं जबकि सॉरी भी उसको बोली हूँ। मैं तो काफी देर तक सोचती रह गई कि सच में, एक तो मैं चलो मानते मेरी गलती है, मैंने सॉरी बोला, उसके बावजूद उसने इतनी बदतमीजी से बात किया। चलो वो तो हुआ। फिर रास्ते में मैं एक और आगे बढ़ी तो क्या किया, एक स्कूटी वाला था और वहां पता नहीं क्या, मेरे पति देव का दिमाग इतना तेज, पता नहीं क्या वो सोचे समझे क्या किए कि वो स्कूटी एकदम स्लो कर दिए थे उस टाइम, और स्कूटी वाला हम लोग के स्कूटी में इतना तेज धक्का मारा, इतना तेज, मैं तो डर गई। मैं तो बोली भैया, अब हम लोगों की तो जान तो गई, ऐसा हो गया फील। लेकिन हमने अभी तक घर में किसी को नहीं बताया, याद ही नहीं आया कि मैं किसी को बताऊं। फिर मैं इतना डर गई कि भगवान, ये लग रहा है कि आज मेरा अंतिम दिन है, ऐसा फील हुआ। क्योंकि स्कूटी वाला, उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो हम लोग स्कूटी चला रहे थे तो उनको साइड हो जाना चाहिए ना, आके सीधे मेरी स्कूटी में ही मारा एकदम तेज, जबकि हम भी चल रहे थे और वो भी चल रहा था, दोनों लोग स्कूटी चला ही रहे थे लेकिन हम सही जा रहे थे, वो गलती से कर दिया। मैं बोली यार, आज का दिन ही खराब है क्या, एक तो लड़का ने इतना बदतमीजी से बात किया, फिर उसके बाद स्कूटी आके धक्का इतना तेज दिया। और जब हम लोग जा रहे थे ना तो रास्ते में बिल्ली रास्ता काटा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि, तो हमने उस जब बिल्ली रास्ता काटा तो मैं उस रास्ते से नहीं गई, मैं दूसरे रास्ते से गई। मैं बोली आप इस रास्ते से, जब तक पर भी देखो जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन अच्छा ये क्या पता, मैंने जो रास्ता काटा वो उस रास्ते से नहीं गई, इसकी वजह से भगवान साथ में थे। और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए बहुत देर तक हम लोग सोचते रहे कि भगवान आज हम लोग के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती, लेकिन ऐसे कुछ होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फ्रूट्स काट रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। आज मेरे पति जी बोल रहे थे कि मैं लेकर आया हूँ, तुम मुझे देती नहीं हो खाने के लिए। मैं बोली यार, इतना देखो छान छान छाट छाट कर, जब देते हैं तो खाते नहीं हैं, उनको ग्रेप्स उनको दे देंगे, एप्पल ले जाओ खाने के, आप खा के आइएगा ना, क्या करेंगे, खाते ही नहीं है, लेकर वापस चले आते हैं। तो इसलिए मुझे तब कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि एक तो मैं तुमको दे रही हूँ, ऊपर से तुम वापस लेकर चले आते हो। और रोज खाने से पहले मैं ये खा लेती हूँ, मेरा पहले से बहुत कम हो गया है। सब लोग बहुत बोलते थे कि बहुत फ्रूट्स खाती हो, तो सब
कम हो गया, क्या करें। उसके बाद मैं क्या करती हूँ गाइस, अभी मैंने दूध वगैरह काट लिया है इसमें, और मैंने क्या किया कि ये लोग रोटी खाते नहीं है, ऋषभ से राखी रोटी खाते नहीं है, तो मैंने सिर्फ अपने लिए रोटी बनाया है, क्योंकि रात को आटा बच गया था, तो मैं सोची कि चलो इस मेरे को सुबह उसमें दाल बना दिया है, और दाल बनाने के लिए रिफाइन ही अभी तेल नहीं जाओ, सोनाक्षी रिफाइन लेकर आओ, तो मैं दाल छौंकती हूँ और चावल इसमें हो गया है, सब्जी देखते हैं क्या बनता है। काम नहीं कर सकती हूँ मैं, जाऊंगी नीचे ऐसे, मैं ऐसी नीचे कभी जाती ही नहीं हूँ। पैंट पहन, अरे चली जाओ ना, तब तक हम क्या नाम है वो कर लेते जाओ, पैसा दे रहे जाओ, एक रिफाइन लेके आओ, तब दाल छौकेंगे और चावल रोटी दाल बन गया है बस। अगर मैं स्कूल होती तो, स्कूल होती तो तुम्हारा वेट करती, सोनाक्षी आएगी तब हम जाए मंगाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं। मैं अपने पहले नमक छिड़क लेती हूँ, नमक छिड़कती तब पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, एक लड़की के लिए सब काम हो जाएगा, क्या करें। तो मैं पानी भर दिए बॉटल में, सारा पानी भर दिए एक एक करके, अच्छा इसको कपड़ा नहीं पहने, तो मैं सारा पानी एक एक करके रख देती हूँ गाइस, ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं खीरा काट लेती हूँ, खीरा इस टाइम अभी इसलिए काट ले रहे हैं क्योंकि बार बार कूड़ा ना, हम लोग कूड़ा घर के अंदर नहीं रखते, मतलब कूड़ा जो सबका डस्टबिन घर के अंदर रहता है, हम लोग का डस्टबिन बाहर ही रहता है, अंदर जगह ही नहीं है, कैसे कैसे करके सारा सामान रखा जाता है। और गाइस वीडियो बनाने के लिए हमारे पति देव के ब्लॉग में देखे होंगे कि ये मैंने ग्रास लगवा दिया है, धूप में जाने से अच्छा कि यहाँ पे लगा लो तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे में क्या कर रहे हो आप लोग। और ये वंदन दी का बेडशीट काफ़ी सुंदर लग रहा है, मैं अपने यहाँ पे लेकर फ्रूट बैठ गए हूँ, मैं खाती हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रेडी हो रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं, और जैसे मैं रेडी होने जा रही थी तैसे ही मनीषा का फोन आ गया, बोले कि सचिन, अरे जिया ने अरे प्रीमियर लगा दिया है, 700 लोग वेटिंग कर रहे हैं हमके किस चीज का, तो बोल रही है कि वो बेबी होने का। तो आप सबको पता ही हो गया हो कि जिया को बाबू हो गया है, और क्या हुआ है वो उनके ब्लॉग में आएगा, और ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या होने, मतलब कि लड़का हुआ है लड़की हो तो वही लोग बताएंगे, बट मैं किसी के सस्पेंस को मैं क्यों खोलूं, मेरा कोई मेरा नहीं, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बता सकती ना, ये मेरा हक नहीं है बताने का गाइस, आप सबको पता है कि नहीं। तो जिया को बहुत 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 बधाई हो हमारे पूरे जायसवाल फैमिली की तरफ से, कि उनको बहुत ही अच्छा बाबू हुआ है, बहुत ही सुंदर, मैंने तो स्टेटस भी देखा है व्हाट्सएप पे, तो ये चीज मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो उनको बच्चा हो गया, तो उन्होंने आज लगा, जब से वो नहीं करते तब से मेरा भी कोई हक नहीं था कि हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें। इसका फोन आ रहा है जी। तो गाइस मैं अभी रेडी हो रही हूँ, और जिया ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मैं, जब उनके भाई की शादी थी, मतलब जिया के देवर की शादी थी, मैं नहीं गई थी, जिया मेरे से बहुत नाराज हो गई थी, तो उसके बाद जिया ने बोला कि जब छट्टी होगा अगर तुम नहीं आई तो समझ लेना, तो जिया तुम टेंशन मत लो, हम जरूर आएंगे तुमसे मिलने के लिए, और थोड़ा सा आप और थोड़ा सा स्वस्थ हो जाना और अच्छे से जाना, जब छठी के दिन ऋषभ है, यहाँ पे है ऋषभ का, उस दिन अब देखिए जिस दिन उन्होंने स्टेटस लगाया था उस दिन पता चला, लेकिन मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती थी क्योंकि मेरा हक नहीं था, आप लोग को पता ही है जिसका बाबू है पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद जो भी इनको बधाई देगा। तो मैं तो कहूंगी भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी जिया से 10 तारीख को बात हुई थी, मैं जिया से बोली थी जिया तुम जाना, अगर ज्यादा ऊपर जाएगा तो तुम डॉक्टर को दिखा दो भैया, क्योंकि आजकल केस बहुत ऐसे वैसे हो रहे हैं, तो भगवान सब कुछ अच्छे से कर दे, मैं तो बहुत खुश हूँ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आप मम्मी पापा बन गए, सास ससुर भाई और जिया जी। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, और मैं रेडी होकर के आ रही हूँ तुमसे मिलने, रेडी होकर के आ रही हूँ मिलने, बने रहना, इंतजार करना कब तक आ रहे हैं जिया, जरूर ब्लॉग देखना मेरा, ठीक है। दोस्तों मैंने बहुत सारे रील्स पे वीडियो बना लिए हैं, और ये साड़ी आप लोग देखिए कैसा लग रहा है, ये साड़ी कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा होगा, और ये इयररिंग्स पे, और थोड़ा सा मैंने आई मेकअप पे हल्का फुल्का किया है, और अभी भी सासुर भाई ने एक रील्स भी डाला है कि उनको बेबी हो गया है, तो और उन्होंने वैसे भी यूट्यूब पर प्रीमियर लगा रखा है, तो लोगों को पता ही चल गया कि उनका बेबी आ गया है, और इसके बाद सारे यूट्यूबर देखे कब जाते हैं, वैसे जाएंगे तो सभी लोग, मतलब सबका मतलब नहीं जानती, जैसे कि आपका बर्थडे इसका कार्तिक ऋषभ का बीत जाएगा उसके बाद ही जाना पड़ेगा,
हम हो गए, सचिन भाई हो गए, मिष्टी हो गई और बाकी उनको जिसको जिसको मतलब मैं तो जानती किसे किसे और सारे लोगों से बाकी जैसे जैसे ये हम लोगों से इतने लोग से क्लोज हैं हम लोगों से और मिष्टी से और सचिन भाई से और उनसे भी हैं राहुल भाई से भी, लेकिन देखिए कौन कौन जाता है। बाकी तो इन लोगों का तो कन्फर्म है, लेकिन बर्थडे के बाद ही हम लोग जाएंगे जब भी जाना रहेगा। तो बहुत मजा आने वाला रहेगा, तो आप लोग ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करिए। जान करके आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी और ये जान करके मुझे भी थोड़ा सा दिल में ये हो रहा है कि नहीं यार अब सबको बेबी हो गया तो अब हम लोगों को भी कर लेना चाहिए जैसे हमको और मनीषा को है ना सोनाक्षी। भाई चाहिए, बहन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इंतजार करते रहो सब लोग, जरूर मिलेगा खुशखबरी आप सभी को भी। तो मैं चलती हूँ, ये साड़ी चेंज कर लेती हूँ और ब्लॉग सारा कंप्लीट बड़ा भी जाएगा। और करते करते 6 बज गया, कब सुबह हो जा रहा है कब शाम हो जा रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जल्दी चेंज कर लेते गाइस, फिर से बोलते हैं बहुत बहुत बधाई हो और आप सब भी अपनी दुआएं उनको हमारे कमेंट में लिख दीजिएगा यहाँ तक कि मैं जब बात करूँगी। मैंने फ़ोन लगाया था, मैसेज भी किया था, तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, तो अभी जब फ्री होंगे तो खुद ही बात करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हमारे इनसे क्या बात हुई थी। ओके गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस डिनर का भी मतलब रात का भी टाइम हो गया है, तो मुझे डांस क्लास भी जाना रहता है और तोरी आके रखा था। हमारे यहाँ तो नेनुआ बोलते हैं बट यहाँ पे तो तोरी बोलते हैं। तो मैं आज नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ। नेनुआ की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये बड़ा डाल दिया है, बड़ा मतलब कढ़ौरी और प्याज, नेनुआ छिल के रख दिया, काट के रख दिया और ये लहसुन मिर्चा। तो पहले मैंने उसको लाल कर लिया, इसके बाद मैं क्या करूँगी जीरा का तड़का दे देती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। और गर्मियों में ये अच्छा लगता है, पेट के लिए भी अच्छा है। तो हम सोचे थे कि आज दाल चावल के टाइम में होगा, लेकिन जब दाल चावल के टाइम जल्दी जल्दी भी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम पेट की तरफ शाम को बना देते हैं। रोज़ मसाला है ये वो खाते खाते इंसान मसाला खा खा के पता नहीं पेट में, जब कल सब्जी बना था इतना दिखा उनके इनके पेट में एकदम जलन होने लगा था, पता भी नहीं चलता आजकल कि मिलता पीछा है कि क्या है क्या नहीं है। ये मैं पहले फ्राई कर रही हूँ जीरा और लहसुन मिर्चा का तड़का दे करके। उसके जब वो लाल हो जाएगा तो प्याज भी लाल करेंगे। प्याज लाल करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बहुत कम ही लाल करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे क्या, ये नेनुआ डाल देंगे। अच्छी हुई के सब कुछ रख दिए हैं, स्टोर हो रहा है। गाइस बन जाता है, फिर दिखाते हैं आपको, पैक करके दिखाते हैं एक मिनट। ये देखो आप लोग जीरा और लहसुन मिर्चा का तड़का दे दिया है। अब मैं सोचिए प्याज भी डाल देती हूँ साथ में डालोगे तो सही होगा। प्याज वगैरह सब कुछ लाल वगैरह हो गया था और मैंने ढक दिया है, तो प्याज ऐसे पक जाएगा, जब गल जाता है तो उसमें नमक डाल देते हैं। और चलिए दूसरे के ब्लॉग में देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है और मुझे भी डांस क्लास भी जाना है, 7:30 बज गया है। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। काफ़ी बड़ा होने की वजह से आप लोग भी स्किप कर देते हो और बहुत सारे लोगों को होता है कि ब्लॉग बहुत बड़ा है काफ़ी भी और इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लॉग के अंदर। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक, आज की वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।